हाय एवरीवन, मैं हूँ रेनू और आज आपका गूगल किचन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो केक स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, ये केक बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है, बहुत ज़्यादा इसमें मिस्टेक हुआ है, पर फिर भी ये केक बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरी गलतियों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैं ये केक बनाने वाली थी टेंसिल केक, जो अभी बहुत ही ट्रेंडिंग में है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और लोगों को बहुत ही पसंद आ रहा है। तो मैंने सोचा कि वो ही आप लोगों के लिए ये वीडियो मैं रेडी करूँगी। मैंने टेंसिल भी खरीद कर लेके आए, स्प्रे पंप जो 350 रुपये के प्लास्टिक का नॉर्मल सा एक डब्बा है, लेकिन वो भी वर्क नहीं किया। और क्या कैसे कैसे ये सब कुछ हुआ, मैं सब कुछ आपको पूरी डिटेल में बताने वाली हूँ। मैंने स्टेंसिल को केक के ऊपर भी लगाया था स्प्रे पंप में कलर भर के, और मैंने स्प्रे भी किया, पर क्या गलतियाँ हुई जिसकी वजह से ये केक बनकर रेडी हुआ। फिर भी ये केक बहुत ही प्यारा लग रहा है, इसका कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इसके जो फ्लावर है, ये सब कुछ गलत हो चुका है, फिर भी ये केक आपको बहुत ही प्यारा लगेगा। तो इसमें क्या क्या गलतियां हुई है, मेज़र, ये सब कुछ आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि मैंने क्या क्या गलतियां की हैं जिसकी वजह से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैंने लिया है व्हिपिंग क्रीम, जो अच्छे से रूम टेम्परेचर पर नॉर्मल मेल्ट हो गई है, और ये ट्रोपोलाइट का मैंने लिया है रेगुलर वाली व्हिपिंग क्रीम, और इसे मैं अच्छे से कर लूँगी बीट। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको फुल बीट करके दिखाई हुई थी। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाई थी, मेरी मशीन टूट चुकी है, फिर भी ये बेचारा काम कर रहा है। तो अच्छे से मैं इसे व्हिप कर लूँगी, और ये देखिए व्हिप हो गई है। जब तक ये थिक ना हो जाए 4 से 5 मिनट लगेंगे आपको, अच्छे से एकदम स्टिप पिक आने तक इसे अच्छे से व्हिप करना है। फिर मैंने ये छोटा सा बनाया है केक जो पाव के जी का है, और इसे मैं 3 लेयर्स में कट करने वाली हूँ। ये पाइनएप्पल केक में बना रही हूँ, तो मैंने इसमें पाइनएप्पल इमर्शन डालकर, और ये प्रीमिक्स वाला ही है, और मैंने प्रीमिक्स की रेसिपी शेयर की है, आप मेरी वो वीडियो ज़रूर देखिए, आपके बहुत ही काम आने वाली है। मैं एंड स्क्रीन पर भी लगा दूँगी कि होममेड प्रीमिक्स कैसे बनाना है, बिल्कुल मार्केट जैसा। वो 3 लेयर कट करने के बाद मैंने थोड़ा सा नीचे लगा दिया है व्हिपिंग क्रीम, और मैं जो शुगर सिरप यूज़ कर रही हूँ, चीनी पानी नहीं है, वो पानी है और पाइनएप्पल क्रश है जो मैंने उसमें डाला हुआ है, क्योंकि पाइनएप्पल क्रश भी मीठा ही होता है, तो मैंने अलग से चीनी का यूज़ नहीं किया है। और व्हिपिंग क्रीम में मैं थोड़ा सा पाइनएप्पल इमर्शन यूज़ कर रही हूँ, और इसे डाल के अच्छे से हमें कर लेना है मिक्स। प्रॉपर अच्छे से मिक्स कीजिए, नहीं तो कहीं पर फ्लेवर आएगा और कहीं नहीं आएगा, इसलिए अच्छे से मिक्स कीजिए। और शुगर सिरप लगाने के बाद अपने केक के ऊपर अप्लाई कर दीजिए व्हिपिंग क्रीम को, और इसके ऊपर हम डालने वाले हैं पाइनएप्पल क्रश। तो अगर जहाँ लगे कि आपने क्रीम कम लगाई है, तो आप ज़रूर वहाँ लगाकर एक अच्छी सी लेयर बना लीजिए, नहीं तो कटिंग के बाद दिखती है कि कहीं क्रीम कम लगी है और कहीं क्रीम ज़्यादा लगी है, इसलिए बराबर करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद मैं इसके ऊपर पाइनएप्पल क्रश डाल रही हूँ, और इसे भी डाल के इवनली अच्छे से फैला लेना है हमें। फिर रख दूंगी मैं दूसरी लेयर, और इसके ऊपर भी मैं डाल दूंगी क्रीम। पहले शुगर सिरप यूज़ करेंगे, और शुगर सिरप किनारों पे अच्छे से यूज़ करना है, क्योंकि अगर बीच में आपने लगा दिया और किनारे पे अच्छे से नहीं लगाया, तो कटिंग तो आपको साइड से किनारे से ही करनी है, इसलिए अच्छे से सोकिंग बहुत ही ज़रूरी है। और इसके ऊपर भी मैं फैला लूँगी व्हिपिंग क्रीम, और यहाँ पर भी देखिए मैंने एक गलती कर दी है, व्हिपिंग क्रीम तो मैंने फैला दिया है, और इसके ऊपर पाइनएप्पल क्रश कुछ ज़्यादा ही मैंने डाल दिया, तो इतना आपको अप्लाई नहीं करना है, नहीं तो देखिए नीचे क्रीम के साथ ये पूरी गिर रही है, आप देख पा रहे हैं। तो ये एक मेज़र प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल सही नहीं है तरीका। तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि आप बिल्कुल ऐसी गलती मत कीजिए, आप थोड़ी थोड़ी ही क्रश का यूज़ कीजिए, और क्रीम के साथ अच्छे से उसे मिला लीजिए। उसके बाद देखिए मैंने साइड अच्छे से क्लीन कर लिया है, और उसके ऊपर वापस जो लास्ट वाली लेयर थी उसके ऊपर मैं शुगर सिरप अच्छे से लगा लेती हूँ, और फिर उसके ऊपर जो साइड वाली है हमें वापस से इसे क्रीम एक्स्ट्रा लगा के, पहले हमने क्रब कोटिंग की थी और उसके बाद फिर से लगा के हमें अच्छे से इसे क्लीन कर लेना है, बराबर कर लेना है। तो मैं अभी ऊपर वाली लेयर भी कवर कर लेती हूँ। तो जो मैं गलतियाँ बता रही हूँ उसको आपको ध्यान से देखना है, समझना है, ताकि आप ये गलती ना करें, नहीं तो ये क्रीम के साथ अगर क्रश मिक्स हो जाता है तो पूरी फिनिशिंग ख़राब हो जाती है। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, आपको बहुत ही ध्यान से काम करना है अपने केक के साथ। तो ये देखिए मैंने साइड में वापस से क्रीम लगाना स्टार्ट कर दिया, थोड़ा थोड़ा क्रीम मैं और लगाऊंगी, क्योंकि बीच में कहीं कहीं बेस दिख रही है, तो कहीं बेस दिखता है तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए थोड़ा सा क्रीम एक्स्ट्रा आप लगा के उसे क्लीन कर लीजिए। तो मैं भी एक्स्ट्रा क्रीम लगा कर और इसे क्लीन कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप एक बात और ध्यान रखिए, आप कभी ऐसा मत समझिए कि वीडियो थोड़ी लंबी में बना रही हूँ, पर वीडियो बिल्कुल लंबी नहीं है, आपके बहुत ही काम की है, एक एक चीज़, एक एक पॉइंट आपको मैं क्लियर कर रही हूँ। ऐसी चीज़ें आपको
कहीं भी किसी भी आप कुकिंग क्लासेस में जाएंगे तो आपको वहाँ पर वो लोग नहीं बताएंगे, तो इसलिए आप ध्यान से देखिए। तो मैंने लिया है स्क्रैपर, और स्क्रैपर से अच्छे से एक साइड को मैं पूरा क्लीन कर ले रही हूँ, आप देख सकते हैं, और साइड भी मैं अच्छे से निकाल दूँगी, जो किनारे साइड में एक्स्ट्रा क्रीम रह जाती है वो भी हम निकाल लेंगे। तो आप भी ऐसे बिल्कुल क्लीन कर लीजिए। ऊपर का जो हिस्सा है वो भी मैं नाइफ से, उसे भी मैं नाइफ से अच्छे से कर लूँगी क्लीन। पर अगर नाइफ से क्लीन नहीं हो रही है तो आपको स्क्रैपर का यूज़ करना है, जो कॉम्ब आती है, जो अच्छे से डिज़ाइन कवर हम जिसे करते हैं, उससे आपको अच्छे से क्लीन करनी है। तो पहले मैं एक बार और साइड को क्लीन कर लेती हूँ, बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा वो। और ये देखिए, मैं इसके ऊपर स्क्रैपर से अच्छे से स्क्रैप कर ले रही हूँ, तो ये बिल्कुल ही क्लीन हो जाएगा, और कोई नहीं बता पाएगा कि आप जो एकदम बिगनर्स हैं उन्होंने ये केक बनाकर रेडी किया है। तो ये देखिए, जो साइड वाला मोटा वाला है, अगर उससे बनाना चाहें तो ऐसी डिज़ाइन आएगी, ये भी आप देख ले। अब आती है मेन जो टेंसिल बनाने वाली, जो टेंसिल से हम डिज़ाइन बनाने वाले हैं, तो इसके लिए मैंने लिया है इवापोरेक्स, और उसमें मैं डाल रही हूँ गोल्डन डस्ट, और उसमें मैं कलर के लिए डाल रही थी जेल कलर, पिंक जेल कलर है ये, और थोड़ा वो पतला लग रहा था, घोलने के बाद मैंने वापस एक्स्ट्रा डस्ट डाल दिया, मतलब पूरे ये 100-150 रुपये मेरे गए पानी में, पूरा बेकार हो गया। और ये देखिए, ऐसा पंप आता है, स्प्रे पंप, जो 350 रुपये का आता है, नॉर्मल प्लास्टिक की पंप है, कुछ भी नहीं उस पर। ये देखिए, मैंने फिल कर लिया है स्प्रे पंप में, और जो टेंसिल मैंने लेकर आई थी मार्केट से, वो मैं ऐसे केक के ऊपर सेट कर लेती, और इसको आपको बहुत ही सावधानी से सेट करना होता है। तो मैंने क्रीम के ऊपर अच्छे से इसे सेट कर लिया है टूथपिक की हेल्प से। तो देखिए, ये मैं इसको वापस से आपको एक बार और बनाकर दिखाने वाली हूँ। तो आप ये वीडियो देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आप टेंसिल कैसे यूज़ करना है केक के ऊपर वो मैं दिखा पाऊँ। ये मैंने खुद भी पहली बार ही ट्राई किया था, जो एकदम फेल हो गया, तो मैं वापस दूसरी बार एक बार और ये बनाने वाली हूँ, ताकि आप, और ये बहुत बड़ी गलती मैं जो कर रही थी वो आप देख लीजिए। मैंने अच्छे से स्प्रे पंप से स्प्रे करने की फुल कोशिश की, स्प्रे पंप बिल्कुल बेकार था, किसी काम का नहीं था स्प्रे पंप, मतलब ख़राब था वो। अब वो लोग वापस भी नहीं लेते शॉप वाले, क्योंकि मैंने पैकेट को खोल दिया था। मैंने वापस न्यू ब्रश निकाला, और ब्रश से अच्छे से मैंने वापस उस कलर में डिप करके, और फिंगर से ही अपने अच्छे से स्प्रे करने की फुल कोशिश की। तो देखिए, मैंने कोशिश तो की और बनाया भी, फिर उसके बाद जब मैं इसे निकाली तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना। आप ये देख लीजिए, ये देखिए ऐसी कुछ डिज़ाइन आई, और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब मैं ये केक को क्या करती, तो मैंने वापस अच्छे से नाइफ से उसे एक सरीका बना दिया, एक जैसे मैंने उसे वापस स्क्रैपर से स्क्रैप कर लिया और क्लीन कर लिया, तो हल्का सा शेड आ गया पिंक और क्रीम कलर जो हमने येल्लो पहले से यूज़ किया हुआ था वो उसका। और फिर भी ये केक बहुत ही प्यारा लग रहा था, और नाइफ से ही नॉर्मल, मैंने कुछ भी डिज़ाइन नहीं किया, नॉर्मल नाइफ से रैंडमली ऐसे राउंड बना दिया, और केक बहुत ही प्यारा लग रहा था। और वही क्रीम मैंने उसमें हल्का सा एक दो ड्रॉप पिंक कलर डाला, और ऐसे फ्लावर बना लिए, जो रोज़ आता है, ये N1 नोज़ल है, आप ध्यान से देखिएगा, ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा N1 नोज़ल, आपने बोला तो रॉक एक मटेरियल जहाँ से भी आप लेते होंगे वहाँ मिल जाएगा। और ये नोज़ल है 46 नंबर का, ये भी आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा। और यहाँ देखिए, जो आप एक जगह गड्ढा देख पा रहे हैं वहाँ साइड में, वो मेरे बच्चे ने आके फटाक से हाथ लगा दिया था, जिसकी वजह से वहाँ का पूरा डिज़ाइन ख़राब हो गया था। फिर भी उसे केक को मुझे बनाना ही था, तो मैंने बहुत मैनेज किया इस केक को बनाने के लिए। और मैंने एकदम डार्क ग्रीन कलर की लीफ बनाई है, तो एकदम छोटा सा एक नोज़ल आता है लीफ नोज़ल, आपको वो भी बहुत ईजिली मिल जाएगा। और जहाँ पर बच्चे ने हाथ लगाया था और केक पूरा ख़राब हो गया था, वहाँ पर के लिए मैंने अच्छे से बड़ा थोड़ा लीफ बनाया, ताकि वो ढक जाए और गलतियाँ सारी छुप जाएँ, दिखनी नहीं चाहिए। तो अगर आपके साथ भी कभी ऐसा होता है, जो हमारे जैसे हाउसवाइफ हैं, तो घर में बच्चे तो रहेंगे ही, तो उनके साथ काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये सब चीज़ें बनाएंगे तो बच्चे भी साथ में ज़रूर देखने के लिए रहते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है जब घर में ये सब चीज़ें बनाते हैं। तो ये देखिए, मैंने बना लिया लीफ, और ये लीफ थोड़ी सी छोटी लग रही थी इसलिए मैंने डबल बना दिया, और ये लीफ थोड़ी बड़ी लग रही थी इसलिए मैंने उसके ऊपर भी छोटे छोटे से लीफ बना लिए वापस से। और केक बहुत ही प्यारा लग रहा था, इसका कलर इतना माइंड ब्लोइंग लग रहा था। तो इतनी गलतियों के बावजूद भी ये केक बहुत ही खूबसूरत बना, और मैं बहुत ही खुश हो गई कि चलो इतनी गलतियाँ हुई पर
फिर भी केक बहुत अच्छा लगा। और ये आप लोगों के लिए बहुत एक सीख है जो मैंने गलती की। और स्प्रे पंप लेने से पहले आप कई बार देखिए, कई बार सोचिए ज़रूर। तो ये देखिए साइड में भी उसी लीफ नोजल से मैं एक छोटे छोटे से लीफ बनाकर रेडी कर लेती हूँ। तो स्प्रे पंप ख़रीदने से पहले आप सोचिए कि ये सही है या नहीं है। तो ये देखिए ऐसे गोल्डन वर्क आता है अभी केक के ऊपर ऐसे लगाने के लिए, बहुत ही अच्छा दिखता है, ये लुक बहुत ही प्यारा लगता है। तो मैंने वो भी लेकर आया था। ये छोटा सा बॉटल 150 का आपको मिलेगा और 150 में बहुत सारा रहता है, बहुत सारे केक में ये यूज़ कर सकते हैं। जब स्टार्टिंग में आई थी तो ये 450 का मिल रहा था, थोड़ा सा इससे बड़ा पैकेट था, थोड़ा बड़ा बॉटल था। और ये अभी 150 का मिल गया मुझे, तो मैंने ले लिया ये। और इसके ऊपर रोज़ के ऊपर मैं लगा लेती हूँ पर्ल, एकदम छोटे छोटे से पर्ल ऐसे लगा लेती हूँ, बहुत ही प्यारा लगता है ये। और ये बिल्कुल एडिबल है, हम इसे खा सकते हैं। मैंने ये लगा दिया और इसके ऊपर मैं कर लूँगी सिल्वर स्प्रे जो मिलता है 350 का। और थोड़ा सा मैं वाइट पर्ल और बीच में स्प्रिंकल कर देती हूँ ताकि देखने में थोड़ा सा और लुक अट्रैक्टिव लगे, अच्छा लगे। और मैं इसके ऊपर सिल्वर स्प्रे कर लूँगी। तो ये देखिए हल्की हल्की सी स्प्रे की उड़ रही है किरकिरी, आप देख पा रहे हैं जो डस्ट है उसका, सिल्वर का। और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, टोटली ऑप्शनल है, आप बिल्कुल ऐसा मत समझिए कि केक बनाने के बाद ये स्प्रे करना ज़रूरी है। तो ये रहा केक का फाइनल लुक, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो फटाफट से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। और हाँ, आपने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो फॉलो ज़रूर कर लीजिए। और मेरी वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप मुझे वहाँ पर पूछ सकते हैं, डायरेक्ट चैट कर सकते हैं। तो ऐसे ईजी, यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए गोकुल किचन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, थैंक यू।